हमारे जीवन में जो हमारे पास नहीं है उन्हीं के ऊपर शैतान और शैतान के लोग हमला करते हैं मैंने बताया था ना अगर आपके जीवन में जो आपके पास नहीं है उन्हीं के विषय में आपके रिश्तेदार बार बार पूछते हैं तो उदाहरण के लिए विवाह होके सात वर्ष हो गए किसी कारणवश बच्चे नहीं हुए ये जो रिश्तेदार है ना ये रिश्तेदार नहीं है राक्षस हैं वो बहन दिख जाए तो बस क्यों बेटी अभी तक कुछ नहीं हुआ वो पहले से दुखी है पहले से ही वो व्याकुल है कहीं दिख गई तो बस क्यों बेटी कोई विशेष बात है कोई खुशखबरी दोगी क्या उसी के विषय में बात करते हैं पति दुष्ट है समझो पति पापी व्यक्ति है समझो पति शराबी है समझो ये बहन किसी शादी में या किसी शुभ कार्य में गई समझो सारे रिश्तेदार आकर बैठकर पति में कुछ सुधार आया कुछ बदलाव आया क्या या वैसा ही है बेचारी वो पहले से ही दुखी है पति शराबी है घुमक्कड़ है जब भी घर आता है पिटाई करता है वो पहले ही दुखी है ये लोग आकर इससे क्या कहना चाहिए तुम हिम्मत से रहो जीवन में संघर्ष रहते हैं निश्चय परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा मुझे यह भरोसा है पति ऊपर से अच्छे दिखाई दे रहे हो फिर भी हर घर में ऐसी ही स्थिति है मानते हैं कि नहीं पतियों मानते हैं कि नहीं अगर बहनों से पूछेंगे तो मेरा पति बहुत अच्छा व्यक्ति है कहने वाले हाथ उठाओ कहने से आप उठा पाएंगे उठा पाएंगे क्या बहुत मुश्किल है वैसे ही तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है कहने से पति हाथ उठाएंगे बहुत मुश्किल है तो कौन सा पति उत्तम है बताइए कौन सी पत्नी उत्तम है बताइए यह कह पाना मुश्किल है कैसे कह सकते हैं बाइबल में है क्या लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस संसार में कोई उत्तम पति नहीं है उत्तम पत्नी भी नहीं है लेकिन कुछ ये जो निकम्मे लोग होते हैं क्या करते हैं उसी के विषय में बोलते हैं आप खुशी से किसी शादी में गए आनंद से आप किसी शुभ कार्य में गए जिस विषय में आप दुखी हैं उसे ही टच करके उस घाव में नमक छीट कर आप दुखी होने से वे खुश होकर चले जाते हैं प्रिय हैं क्या हम में कोई ऐसी कमजोरी वाले हैं क्या नहीं चाहिए यह अच्छी मानसिकता नहीं है आपकी भागीदारी के बिना कोई समस्या आ गई है क्या एक बार सोचिए अगर ऐसे आपकी भागीदारी के बिना कोई विकलांगता कुछ लोग नाटे होते हैं क्या कर सकते हैं बताइए कुछ लोग सेवन फिट सेवन पॉइंट फाइव फिट ऊंचे होते हैं उनकी समस्या उनकी है जो नाटे उनकी समस्या अलग है कुछ लोग बेचारे बहुत मोटे होते हैं और कुछ लोग बहुत पतले होते हैं और कुछ लोग काले होते हैं और कुछ लोग बहुत ही गोरे होते हैं अभी मेरा प्रश्न क्या है कि आपके जीवन में जो आपकी भागीदारी के बिना आ गया है उस कमजोरी के विषय में आप क्या कर सकते हैं उसी के विषय में सोचते हुए विचार करते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन आप और भी अधिक हताश और निराश होते जाएंगे इसलिए आपको क्या करना है मैं नाटा हूं फिर भी मेरे हाथ पांव हैं। आप में कोई नाटे हैं क्या नाटों के विषय में सामान्यतः कहा जाता है नाटे लोग बहुत तगड़े होते हैं चाहिए तो आप देख लीजिए जो चीज आपके जीवन में कमजोरी के रूप में है उसे शैतान टारगेट करता है आपको निराश करने के लिए अवसर मत दीजिए उसमें से आपको बाहर निकालकर लाभ पाने वाला परमेश्वर है वो तो क्रास भी टारगेट की गई तुम्हारा परमेश्वर महान है ना फिर तुम्हें क्यों अंधा बना दिया तुम क्यों एक अंधी के रूप में रह गई टारगेट की गई तब उसने क्या उत्तर दिया जानते हैं तुम में और मुझ में बहुत अंतर है तुम्हारे पास आंखें हैं उन आंखों में कामुकता है आप जो देखते हैं आपके काम उन पर आधारित होते हैं लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं इसलिए आंखों से की जाने वाली अपवित्रता क्या है मैं नहीं जानती तुम अपनी आंखों से बहुत देखे जिन्हें नहीं देखना चाहिए लेकिन मेरी आंखें बहुत पवित्र हैं वे खुलने के बाद मैं पहली बार जिसे देखूंगी वो मेरा प्रभु यीशु मसीह होंगे तुम में और मुझ में बहुत अंतर है यही है सकारात्मक सोच ये है परमेश्वर को आधार बनाकर निराशा और व्याकुलता को स्थान ना देकर आगे बढ़ने के लिए जो तड़पते हैं उनमें दिखाई देने वाली अद्भुत आत्मिकता इसे कलवरी आवाज को सुनने वाले हर एक जन को अपनाना है जो नहीं है उनके लिए मत रोइए जिन्हें हमने नहीं पाया है जो हमारे पास नहीं है उनके लिए निराश ना हो जो आपके पास है उस पर ध्यान कीजिए आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है बाइबल बताती है कौन प्रार्थना किया एक भिखारी उसकी स्थिति कैसी थी सबके समान नहीं थी वो अपने अंधेपन के कारण वो बहुत हताश और निराश था जब वो निराश और व्याकुल था उस समय मनुष्यों के दया और तरस पर निर्भर होकर जब वो जी रहा था उसकी स्थिति को बदल पाने वाला परमेश्वर उसके सामने से जब जा रहा था तब कब प्रार्थना किया उसके सामने से यीशु जा रहे थे तब बाइबल में एक सुंदर बात है परमेश्वर जब निकट है उसी समय तुम तो उससे प्रार्थना करो कब प्रार्थना किया जानते हैं दीन हीन स्थिति में जब वो निराश और व्याकुल था वो प्रार्थना किया हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर प्रार्थना किया कहा प्रार्थना किया रोड के किनारे सड़क के किनारे प्रार्थना करना क्या होता मैं अच्छी रीति से जानता हूं जब मैं एक स्टूडेंट था हॉस्टल में सारे मित्र जब बेकार की बातें करते थे उनके बीच शांति से बैठना जब मुश्किल है लगता था जब एकांत में प्रार्थना करना नहीं हो पाता था उसी कॉलेज के बाहर एक सड़क था वहां एक बस स्टैंड था उस बस स्टैंड में एक चबूतरा था वहां बैठने के लिए सीमेंट का चबूतरा था रात को 10-11 बजे सड़क सुनसान रहता था कोई बस नहीं चलती थी साढ़े दस तक आखिरी बस भी चली जाती थी तब मैं जाता था वो रोड के पास जो बस स्टैंड था वहां जाकर उस चबूतरे के पास घुटने टेक कर प्रार्थना करता था प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर से बात करने का आप में मन होना है रोड के किनारे भी आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं आज आपकी समस्या एक अच्छा कमरा नहीं होना नहीं है आज आपकी समस्या एक अच्छा मन आप में ना होना एक अच्छा मन ना होना है कौन प्रार्थना किया एक निराशर व्याकुल भिखारी कब प्रार्थना किया लोगों के दया और तरस पर निर्भर होकर जब जी रहा था यही है क्या मेरा जीवन ये सोचकर जब वो निराश हो रहा था तब मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे क्या ऐसे विचार जब विचलित कर रहे थे प्रार्थना किया कहा प्रार्थना किया सड़क के किनारे प्रार्थना किया किस से प्रार्थना किया जो उसे उत्तर दे सकता है हाँ प्रभु से प्रार्थना किया आपको एक बात बताऊं आज दस लोगों में से दस लोगों में लगभग नौ लोग जो उत्तर नहीं दे सकते हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो ये एक सच्चाई है सृष्टि कर्ता को भूलकर सृष्टि से अपने कष्टों को बता रहे हैं कितने दुख की बात है परमेश्वर का धन्यवाद हो हम सृष्टि से प्रार्थना नहीं करते हैं सृष्टि की रचना करने वाले सृष्टि कर्ता से करते हैं ये एक महान धन्यता महान सौभाग्य है प्रिय भाई और बहन उसके पास आर्थिक रूप से कुछ नहीं था लेकिन आत्मिक रूप से उसे चंगा करने वाला प्रभु कौन है ये पहचान पाया उसकी समस्या का उत्तर कहां से मिलेगा यह जान पाया प्रार्थना किया उत्तर मिल गया क्या दाऊद के संतान मुझ पर दया कर प्रार्थना किया उत्तर मिल गया क्या नहीं मिला और चिल्लाने लगा दाऊद के संतान मुझ पर दया कर चिल्लाया उत्तर मिला क्या आज हम में कोई है क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है बंद कर दे प्रभु से विनती कर रहा हूं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे क्या इसलिए बाइबल बताती है लगातार प्रार्थना कर दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर निरंतर प्रार्थना कर आशा के साथ प्रार्थना कर विश्वास के साथ प्रार्थना कर वही किया वो आसपास के लोग हे मुंह बंद कर तुम्हारा मुंह तुम्हें कौन प्रार्थना का उत्तर देगा यीशु तुम्हें क्यों उत्तर देगा मुंह बंद करो उसे निराश किए हमारे चारों ओर के लोग निराश करेंगे तुम्हारा मुंह तुम्हें कहां नौकरी मिलेगी तुम्हें कहां जॉब मिलेगा तुम्हें कहाँ प्रमोशन मिलेगा तुम्हें कहां संतान होंगी तुम्हारी शादी कहां होगी तुम कब पास हो गए कह के निराश करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के भवन में जब लगातार जाते हैं हाँ चर्च जा रहे हो लेकिन क्या पाए रविवार आते ही भागते हो क्या मिला तुम्हें परमेश्वर तुम जैसे को कहाँ उत्तर देगा देना होता तो कब के दे देते क्यों अनावश्यक कोशिश कर रहे हो प्रार्थना कर रहे हो कहकर निराश करते हैं ऐसे निराश करने वालों में आत्मिक लोग भी हो सकते हैं विचित्र बात है ना आत्मिक लोग ही आपको निराश कर सकते हैं आसपास के लोग आपकी आत्मिकता को निराश कर सकते हैं उस दिन वो अंधा जब चिल्ला रहा था आसपास के लोग उस पुकारने वाले को देखकर तुम चुप रहो वो बंद करो यीशु मसीह बहुत बिजी हैं तुम जैसे पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है इस तरह जब वे व्यवहार कर रहे थे वो ध्यान नहीं दिया इन सब की परवाह नहीं किया प्रियो आपके विश्वास को दबाने वाले रहेंगे आपकी आत्मिकता को दबाने वाले आपके चारों ओर रहेंगे आपके मित्रों में से हो सकते हैं आपके रिश्तेदारों में से हो सकते हैं आपके घर में हो सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाने देने वाले प्रार्थना करने ना देने वाले प्रार्थना करने से आपको निराशा में डालने वाले डांटने वाले रुलाने वाले ठट्टा करने वाले हो सकते हैं प्रियो जब इस तरह उसे रोक रहे थे तो क्या वो रुक गया कृपया ध्यान दीजिए शैतान हमेशा क्या करता है जानते हैं आपको उन्नति करने नहीं देना है आपको प्रार्थना करने नहीं देना है आपको विनती करने नहीं देना है आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने नहीं देना है इस काम के लिए वो बहुत सी कोशिशें करता है प्रियो ये भिखारी उत्तर दे पाने वाले यीशु मसीह से जब वो प्रार्थना कर रहा था तुरंत वो बंद कर क्या प्रार्थना कर रहे हो उसे डांटे पढ़ रहा हूं सैतालीसवा वचन वह यह सुना कि यीशु नास है पुकार पुकार कर कहने लगा हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर पुकार पुकार कर कहने लगा एक बार पुकारा एक ही बार प्रार्थना किया क्या नहीं प्रियो प्रार्थना करता ही रहा पुकारता ही रहा दाऊद की संतान दाऊद की संतान ईशु ईशु मुझ पर दया कर मुझ पर दया कर पुकारता ही रहा फिर क्या हुआ बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे पर वह और भी पुकारने लगा पुकारा लिखा है पुकारने लगा लिखा है यही हमें करना है किसी विषय के लिए हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलने से तुरंत शैतान आकर कहता है तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो तुम्हें उत्तर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना फिर क्यों प्रार्थना कर रहे हो सताने लगता है निराश कर देता है प्रार्थना ना करें ऐसा करता है करने से भी उत्तर नहीं मिल रहा है ना फिर क्यों करना है बताओ कहकर हमारे विश्वास को दबाने की कोशिश करता है आप परमेश्वर को भेंट देते हैं दशमांश देते हैं आर्थिक रूप से हालत सुधर जाएगी सोचते हैं कोई बदलाव नहीं होता वेतन बढ़ता नहीं है लाभ नहीं मिलता है आर्थिक रूप से कोई बदलाव नहीं होता है तो भी आप दशमांश देते हैं तो भी आप भेंट देते हैं तो भी अपनी मन्नतों को प्रभु के सम्मुख पूरी करने से शैतान आकर कहता है लगता तुम पागल हो तुम इतना सब कुछ दे रहे हो इतना सब कुछ अर्पण कर रहे हो लेकिन तुम्हें थोड़ा भी उन्नति नहीं है तुम क्यों दे रहे हो अगर उसी पैसे को अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए पढ़ाई के लिए खर्च करने से कम से कम पेट भर भोजन कर पाओगे क्यों अनावश्यक परमेश्वर को दे रहे हो शैतान आकर आपको सताएगा निराश करेगा लेकिन इस अंधे के विषय में बाइबल में क्यों लिखवाया गया है कारण जानते हैं लोग इसे बहुत डांटे लेकिन चुप रहो कहने पर भी वो और भी जोर से क्या किया लोग जितना उसे चुप करा रहे थे वो और भी जोर से दाऊद की संतान मुझ पर दया कर इस तरह प्रार्थना करने से जाता हुआ यीशु मसीह रुक गया पीछे मुड़कर कहा उसे मेरे पास लाओ यीशु मसीह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ऐसा लगा लेकिन यीशु मसीह के कान उसके पुकार की ओर ही थे बाकी सबको लगा कि यीशु मसीह ध्यान नहीं दे रहे हैं यीशु मसीह नहीं सुन रहे हैं और ये तो पागल जैसा चिल्ला रहा है क्यों अपने मुंह को ये हाँ बिगाड़ रहा है चीख रहा है चिल्ला रहा है प्रभु तो ध्यान दिए बिना जा रहा है इस तरह लोग सोच रहे थे प्रिय भाइयों और बहनों जब आपको उत्तर नहीं मिलता आपके आसपास के लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए वे आपको निराश करते हैं लेकिन एक बात सत्य है मेरा प्रभु आप पर ध्यान दे रहा है इसमें संदेह नहीं है मेरा प्रभु आपकी प्रार्थना पर ध्यान दे रहे हैं इस पर संदेह नहीं है प्रार्थना सुने हैं तो प्रभु मुझे उत्तर देना चाहिए ना उत्तर देना है फिर क्यों नहीं दे रहे हैं कमी उनमें नहीं है तो किसमें है आप में ही है फिर इधर उधर घूमकर तीर मेरे ऊपर आ गया ना में क्या कमी है आप में ही कमी है क्या है वो कमी बताऊं क्या उसे बुलाओ प्रभु ने कहा इस तरह कहने से वो क्या किया जानते हैं देखेंगे आइए अद्भुत पाठ हमें सिखा रहा है वह अपना कपड़ा फेंक कर क्या फेंका जब हम भिखारियों को देखते हैं उनके ऊपर क्या रहता है कंबल रहता है कोई चादर रहता है या कोई गंदा सा टवल होता है उससे हमें मालूम चलता है कि यह भीख मांगने वाला है जब यीशु बुला रहे हैं जैसे ही उसने सुना उसने क्या किया जानते हैं उसके पिछले जीवन से संबंधित उसके ऊपर के कपड़े को निकालकर फेंक दिया अब मेरे जीवन में पुरानी चीजों के लिए स्थान नहीं है क्योंकि यीशु मुझे बुला रहे हैं उसके पुराने जीवन से संबंधित उसके ऊपर के कपड़े को निकालकर फेंक दिया कारण क्या है कि अब मैं पुराने व्यक्ति के रूप में नहीं रहूंगा अब मुझे भिखारी के रूप में अभाग्य के रूप में भीख मांगने वाले के रूप में रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मैं यीशु के नजर में आ गया हूं जब उसने अपने पुराने जीवन से संबंधित गंदे कपड़े को फेंक दिया उसका जीवन एक नई सृष्टि बन गई प्रिय भाई और बहनों हमारे जीवन में हम उत्तर क्यों नहीं पा सक रहे हैं कहने से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से मांग रहे हैं उपवास रह रहे हैं लेकिन पुरानी चीजों को जिन्हें फेंकना है हम उन्हें फेंक रहे हैं क्या पुराने जीवन से और गंदे जीवन से संबंधित पाप में विचार पाप में सोच पाप में काम पाप में कल्पनाएं पाप में दृष्टि पाप में इच्छाएं पाप में कमाई पाप में बंधन पाप में मित्रता क्या हमने फेंक दिया है दूर कर दिया है नहीं फेंक रहे हैं, उन्हें अपने में रहने दे रहे हैं उसे हम में जीने दे रहे हैं रहने दे रहे हैं हम में रख रहे हैं इसीलिए उत्तर नहीं मिल रहा है प्रियो वो यीशु मुझे उत्तर देने जा रहे हैं जब जान लिया इस पुराने जीवन को में रहने की अनुमति नहीं है ऊपर के वस्त्र को फेंक दिया तुरंत उठकर यीशु के पास आया आगे देखेंगे इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं अंधे ने उससे कहा हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं यीशु ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया हो लिया प्रियो हम देखते हैं जब उसने पुराने जीवन से संबंधित वस्त्र को निकालकर फेंक दिया अब मुझे वो पुराना जीवन नहीं चाहिए अब मैं एक अंधा और भिखारी के रूप में नहीं रहूंगा यीशु के पास मैं जा रहा हूं मैं एक नए व्यक्ति के रूप में जीने जा रहा हूं इस विश्वास को जब उसने दिखाया जब पुराने जीवन से संबंधित चीज को जब फेंक दिया नया जीवन शुरू हो गया प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है वह तुरंत देखने लगा उसके बाद सिनेमा देखने गया ऐसे है बाइबल में दृष्टि पाते ही उसने क्या किया सिनेमा देखने गया बचपन से सोच रहा हूं मुझे दृष्टि मिलने से सिनेमा जाऊंगा कहा क्या वह दृष्टि पाते, पाते ही तुरंत किसके पीछे गया ईशु के पीछे गया आशीष पाते ही तुरंत उत्तर मिलते ही तुरंत वो ईशु से दूर नहीं हुआ प्रियो वो यीशु के और भी करीब आ गया ईशु के पीछे ही चलने वाला बना पुराने जीवन को आप छोड़े बिना ईशु से उत्तर नहीं पाएंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं लेकिन आपके जीवन में पुराने और गंदे जीवन को आप छोड़े बिना दूर किए बिना परमेश्वर के पास से उत्तर पाने की आशा कर रहे हैं तो मिलना संभव नहीं है किसने प्रार्थना की एक अंधे ने कब प्रार्थना किया निस्सहाय स्थिति में कहा प्रार्थना किया भवन में नहीं सड़क के किनारे मेरे परमेश्वर से आप कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं बस में यात्रा करते समय प्रार्थना कर सकते हैं ट्रेन में यात्रा करते समय प्रार्थना कर सकते हैं पैदल जाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं क्यों जानते हैं वो निरंतर आपके संग रहने वाला अद्भुत परमेश्वर है ऐसा अद्भुत परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो प्रिय भाई और बहन आज आपकी प्रार्थना के द्वारा उसके समीप जाएं। जो पाप आपको उनके निकट नहीं आने दे रहा है उसे अपने से दूर कर दें आपके जीवन में निश्चय जिस अद्भुत की आप आशा कर रहे हैं शीघ्र ही देखेंगे विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे क्या आइए प्रार्थना करें पवित्र परमेश्वर पिता वो एक भिखारी था यानी कोई भी आपसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है प्रार्थना करने के लिए सुंदरता भी आवश्यकता नहीं है प्रार्थना करने के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है जाति से कोई संबंध नहीं है गोत्रों को जानने की आवश्यकता नहीं, नहीं है कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो प्रार्थना कर सकते हैं वो सड़क के किनारे ही प्रार्थना किया हम जहां से भी प्रार्थना करें आप वहां आकर सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता आप आप जैसा अद्भुत परमेश्वर इस दुनिया में हमारा और कौन है आज हमारे भाई और बहन वे अपनी दीनहीन स्थिति में जहां प्रार्थना करें वहां आप रहकर प्रार्थना सुन रहे हैं आप नहीं सुन रहे हमें लगने से भी नहीं सुन रहे हैं शैतान परीक्षा में डालने पर भी आपके कान हमारे प्रार्थनाओं पर ही हैं यह सत्य है कब उत्तर मिलेगा इस प्रश्न का जवाब है जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़ेंगे तब मिलेगा पुराने जीवन से संबंधित गंदे वस्त्र जब फेंक देंगे तब तुरंत वह दृष्टि पाया इस तरह बाइबल में है हम अपने पुराने और गंदे जीवन को पुराने जीवन से संबंधित पापमय गंदी आदतों को छोड़ देने के तुरंत बाद हमें उत्तर मिलेगा इस सत्य को जानकर जो प्रार्थना कर रहे हैं हर एक भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हमारे पास जो है उसे हम समझकर संतुष्टि से हम जी सकें सिखाइए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता आमीन प्रिय मित्रों इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए कल सुबह फिर मिलेंगे तब तक के लिए शलोम